नमस्कार, मैं साक्षी गोपाल। आइए सुनते हैं आज की खबर। उमरिया जिले के नौरोजाबाद के अंग्रेजी शराब दुकान में आबकारी विभाग के अधिकारियों का आपस में हुआ मौखिक विवाद। उमरिया जिले के नौरोजाबाद के अंग्रेजी शराब दुकान में अधिकारियों के बीच मौखिक विवाद छिड़ गया। मामला तूल पकड़ता गया। नगर के लोग और व्यापारी एकत्रित हो गए। सैकड़ों की संख्या में भीड़ लगी। अधिकारी एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे। रामचंद तिवारी का कहना है कि बीच में शिवा पाठक का ठेका हुआ था, उन्होंने पैसा नहीं जमा किया तो दुकान शासकीय हो गई। शासकीय दुकान हो जाने के बाद मेरे को नौरोजाबाद के 3 दुकानों का प्रभार मेरे को मिला। नौरोजाबाद और देवगांव एवं कुदरी, इनका प्रभार मेरे को मिला और ठेका हो चुका है। मैं दुकान खुलवाकर मुंशी से हिसाब लगवा रहा था कि एक नग और पैसे का हिसाब मेरे को देना पड़ेगा, अगर कमी होगी तो मेरे वेतन से काटा जाएगा। इतने में संतोष सिंह ADO और SK सिंह आए और पूरा पीसा छीन अपने गाड़ी में रख लिए। SK सिंह द्वारा बताया गया कि नौरोजाबाद में शराब दुकान का ठेका हो चुका है। जब हम मौके पर पहुंचे तो दुकान खुली थी। अधिकारी द्वारा दुकान खोलने पहुंचे, खोलने के लिए मना किया गया। उसके उपरांत भी दुकान खोले जाने पर हमारे द्वारा कार्यवाही करते हुए 52,400 और चिल्लर पैसे कैश जब्त कर लिए। सभी के द्वारा समझाइश दी जा रही थी लेकिन कोई भी बात समझने को तैयार नहीं थी। तिवारी द्वारा बताया गया कि मैं जिला आबकारी अधिकारी को मामले से अवगत करा चुका हूँ। जिला आबकारी अधिकारी से इस मामले में बात की गई तो उनके द्वारा कहा गया कि SK सिंह को करकेले दुकान का प्रभार दिया गया था, उनको कोई अधिकार नहीं था कि वह कैश जमा करते और नौरोजाबाद दुकान में हस्तक्षेप करने का खुद नियम के विरुद्ध जाकर काम कर रहे थे। इस मामले को मैंने जिला कलेक्टर को अवगत करा दिया है। बीच मार्केट में अधिकारियों का आपस में भिड़ना, यह शर्मसार करने वाला दृश्य देखने को मिला। अब देखते हैं कि जिला के अधिकारी इस पर क्या कार्यवाही करते हैं। ठेकेदार को देना पड़ेगा। क्यों भाई, हिसाब तो देना पड़ेगा ठेकेदार को। भाई शासन की जमा पैसा कौन करेगा, मैं करूंगा, मैं प्रभारी हूँ। रामचंद्र तिवारी, क्या मसला है आपके? नहीं, ये क्या है, बीच में जो शिवा पांडे का ठेका हुआ था, उन्होंने पैसा नहीं जमा किया, शासकीय दुकान हो गई। शासकीय दुकान होने के बाद मेरे को प्रभार मिला यहाँ का 3 दुकानों का। मैंने देहगमा और ये नौरोजाबाद कुरी मैं देख रहा था, यहाँ मैं आया, वहाँ कल ठेका हो गया, टेंडर हो चुका है यहाँ। कल आप चार्ज नहीं वो हुआ तो मैंने कहा हिसाब लगा के खोल के, भाई हिसाब लगा लो, एक एक पैसे एक एक नंग का हिसाब देना पड़ेगा। वही खोल के सिपाही वो हिसाब लगा रहा था पूरे पैसे का, इतने में आए, ये पैसा पूरा छीन के ले गए ADO। हो चुका है, अवैध है। नहीं, अवैध नहीं, मैं हिसाब लगवा रहा था, मैं सिपाहियों के हिसाब लगवा रहा था, क्योंकि मदिरा मेरे को जमा करना, मदिरा के बिक्रा के जितना कल की बिक्री हुई है उसका हिसाब पूरा मिला रहा था मेरे को। कहे के लिए नहीं, ये ADO आए हैं, ADO ये सहायक जिला आबकारी अधिकारी संतोष सिंह, संतोष सिंह विभाग का मामला है, पूरी चीजें पता होती है कि कब क्या कैसे। नहीं ये है, लेकिन मेरा निवेदन ये है कि प्रभार जिले का यहाँ का प्रभार 3 दुकान का मेरे ऊपर है। जो यदि मदिरा का बिक्रा यदि कम होता है तो मेरे वेतन से या कि मेरे GPF से काटा जाएगा, मैं जवाबदार हूँ। लेकिन वो आके पैसा ले गया पूरा, अब पता नहीं क्या उनके दिमाग में क्या है। नहीं अवैध नहीं है, मैं दुकान खोलवा के मैं उसको ये करवाया कि भाई इसका पैसा गिन लो, कल मेरे को जमा करना पाएंगे, चार्ज देना। क्या चाहते हैं? नहीं मैं तो यही है कि भाई हमको क्या करना, चार्ज देना जो है तो मैं बता कलेक्टर DO का अधिकारी को लिख के दे दूंगा। नहीं कार्रवाई के लिए मैं जिलाधिकारी के पूरा लोकेशन बता दूंगा कि ऐसी पोजीशन अवगत भी करा दिया हूँ फोन से। जी SK सिंह, सहायक जिला आबकारी अधिकारी उमरिया। मामला ये है कि आज सुबह प्रभारी जिला आबकारी अधिकारी महोदय ने फ़ोन करके सबको सूचित किया था कि चूंकि दुकानों का ठेका हो चुका है, अब इसका पैसा जो लोग वो लोग जमा करेंगे, इसलिए आप लोगों को कोई अधिकार नहीं है अपनी दुकानें बंद रखना, वहाँ रह करके मदिरा का विक्रय न करना। इसके बाद एटेंडम हम लोग आए चेक कर रहे हैं तो खुलेआम देहगवा में भी मदिरा का विक्रय किया जा रहा है और ये दुकान भी खुली हुई है, यहाँ भी मदिरा का विक्रय किया जा रहा है। अब आगे और देखते हैं क्या? तो मतलब खुले आम जो है, आप जब पहुंचे चुकी आपके विभाग के ये लोग यहाँ बैठे हुए हैं, तो ऐसी विसंगति क्यों आ रही है सर? विसंगति ये आ रही है कि चूंकि ये बहुत ही दुष्ट सब इंस्पेक्टर है, जो आदमी अपने वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों के खुले आम धज्जियाँ उड़ा रहा हो। रामचंद्र तिवारी, आबकारी उप निरीक्षक।
क्या मामला हो गया इनके साथ आपका? आप इनका ये हो गया कि चेक की गई दुकान बिक्रय हो रहा था और ये पूछा गया कि भाई कितना बिक्रय हुआ, किसके आदेश से तुमने ये सब किया है। उन्होंने कहा श्रीमान प्रभारी अधिकारी महोदय रामचंद्र तिवारी के आदेशानुसार हमने सब किया है। हम क्या, मैंने आपको बोला था कि नहीं कि दुकान मत खोलना? जिला आबकारी अधिकारी ने बोला था कि नहीं? तो अब वो शून्य है, बोले हाँ आपने तो बोला था सर मेरे को, और जिला आबकारी अधिकारी का भी फोन आया था। तो हमने ठेका कल हुआ है, आज से ठेकेदार का है, अभी ठेकेदार कुछ ही क्षणों में आकर के दुकान का प्रभार लेगा। ऐसे कोई विभागीय सूचना आपने क्या निकाली थी क्या कि ठेका हो चुका है दुकानें बंद? अरे हम तो उसी विभाग में है सहायक जिला आबकारी अधिकारी, मेरे समक्ष दुकान की नीलामी हो चुकी है। हाँ 11% में ये गई है, प्लस में कुछ 15% में विंध्या गई है और करकेली 11% में गई है, और शासन से आदेश आ चुका है कि अब उनको प्रभार सौंप दें। ठेकेदार कौन कौन है? क्या बोल रहे हैं? ठेकेदार आ रहा है, जिसका हो चुका है वो यहाँ चार्ज लेने आ रहा है दुकान पे। अभी चार्ज कौन दिलाएंगे, आप दिलाएंगे को दिलाएंगे? प्रभार जो है उनके पास है, वो उसका हिसाब किताब दें, हम थोड़ी देंगे। हम तो चेक करने आए हैं, दुकान तुम्हारी बंद है खुली है।